कितने आए थे मुझे ये बता दो आप। भाई साहब हमारे पास तो आपके पास टोकन कितने आए थे आज बपाई गांव में, आज टोकन कितने आए थे मुझे ये बताओ। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैक्सीनेशन की बात करें तो पिछले काफ़ी दिनों से सरकार है जो प्रयासरत है कि हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे और तीसरी लहर आई इससे पहले ही हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन दिया जा सके। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पर लड़ाई झगड़े की बात आम हो गई है। हम आपको बता दें कि पिछले दो दिनों में 45 से 48 हज़ार कोरोना के नए मरीज आए हैं जो हमें फिर से परेशानी में डालने का काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, बगैर मास्क और बगैर दो गज की दूरी का पालन किए हुए जिस प्रकार से लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं वो हमें परेशानी का कारण दे सकते हैं। मानो जिस प्रकार से कोरोना नाम की कोई बीमारी थी नहीं, जिस प्रकार से लोग यहाँ पे उमड़ रहे हैं और बगैर मास्क के वो वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर और वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। क्षेत्रीय तहसील के बबाई से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से एक दूसरे के साथ झगड़े पर आतुर हो गए लोग। बबाई के पूर्व सरपंच प्रत्याशी रहे सुनील नायक ने यहाँ पर पक्षपात का आरोप लगाया। इसके बाद में वैक्सीनेशन सेंटर पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल हो गया, काफ़ी लोग वहाँ पर उमड़ पड़े। देखिए पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इस प्रकार से हम कोरोना से नहीं जीत सकते। आपके पास टोकन कितने आए थे मुझे ये बता दो आप। भाई साहब हमारे पास तो आपके पास टोकन कितने आए थे आज बपाई गांव में, आज टोकन कितने आए थे मुझे ये बताओ। हमारे पास कुछ टोकन है, हम तो पुलिस से। टोकन किसके पास आए थे ये बताओ आप। टोकन हाँ टोकन आपके खत्म ले लो कि टोकन पूरा पुलिस से काम कर रहा है। आपके पास टोकन कितने हैं, सुन रहे हैं बताओ आप टोकन कितने। हमारे पास टोकन हमारे वो तो पुलिस में सरपंच साहब और ये ग्राम सेवक साहब ने बोला कि अव्यवस्था हो रही है। वितरण हुए कहाँ थे, अव्यवस्था कहाँ हुई है मुझे ये बताओ। टोकन टोकन व्यवस्था कहाँ पर बन रहे थे, टोकन 500 टोकन आए थे आपके पास। हमारे पास जिनके पास एक मिनट ग्राम सेवक सरपंच पटवारी उप सरपंच वो आपके पंच है नहीं सुनो, इनके सभी के पास आए थे, मास्टर बांट रहे थे ग्राम सेवक पटवारी और सरपंच प्रतिनिधि वार्ड जो भी हैं उनके पास 500 टोकन आए। टोकन वितरण की व्यवस्था आप मुझे बता दो कि टोकन वितरण किस तरीके से किया था आपने, बस मुझे लाइन लगी थी। आपने 500 टोकन एक साथ यहाँ पर लिए, 500 टोकन एक साथ लेकर आए थे कि यहाँ पर जो भी आए थे आप, आपको फोन किया गया, आपको कॉल किया गया कि यहाँ पर अव्यवस्था हो रही है, आपने अव्यवस्था का कारण पूछा गया वहाँ पर। लाइन लगवाने को काम हो आपने, लाइन लगी कितने आदमी की लाइन लगी थी अब मन नहीं आया गिनती मैंने अंदाजन आपने कम से कम टाइम बताई है यहां सुनो हां से लेके और ये अपना ये मार्केट है ना मार्केट कौन सा ये सामने यहां तक नहीं रोड से भी इस साइड में रोड से साइड टोकन आपके पास यहां पर बैठे 136 नंबर से टोकन यहां से बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। शासन करो कुशासन मत करो, आपको गांव की रक्षा के लिए रखा है यहां पर, ये नहीं है कि आप अव्यवस्था फैलाओ। आप जब यहाँ पर आए अव्यवस्था क्या अव्यवस्था थी, लाइन लगी एक मिनट हाँ। सरपंच को सुनाओ बेटा अब मेरी बात। अच्छा मैं एक गांव का एक नॉर्मल नागरिक हूँ, मुझे ये बताओ मैं एक नागरिक अब मेरी बात हाँ। हमारे पुलिस विभाग से अगर किसी को वैक्सीन लगी हुई है, अगर कोई यहाँ का लोकल है वो बता दो। लोकल नहीं आपके पास, आपको वैक्सीन नहीं, आपको वैक्सीन नहीं लगी तो बहुत पहले लगी थी हमारे तो वहाँ लगी। बात आओ आपको बताएं, वैक्सीन 500 लिमिटेड आती है, पब्लिक यहाँ पर 100 आती है 200 आती है वो भी अनलिमिटेड आती है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। पर आप एक चीज सोच कर देखो, आपको व्यवस्था आपका कर्तव्य है यहाँ पर व्यवस्था करना। एक मिनट मैं कर्तव्य आप भी दिखाऊं, आप ये देखो मैं लाइन लगा रहे हो आरक्षण खड़े हो गए आप 5-10 जाओ एक बात बताओ, आप एक बात बताओ अब आ रही हो भाई मैंने क्या बोलियो है बोलो 5-8 ही चलगा व्यवस्था है, यही व्यवस्था है, व्यवस्था है नहीं ये व्यवस्था है। पांच आते हैं 5 टोकन लेकर चले जा रहे हैं और जो टोकन नहीं भाई साहब ये तो घर वैक्सीन लगा के चलेगा। यहाँ पर कुछ एक लोग आए जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, 5 एक साथ 5 है मतलब अंदर गई और डायरेक्ट वैक्सीन लगवा कर आए। मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है,
रिश्तेदार नहीं है आप, जो भी हैं पुलिस वाले, आपकी व्यवस्था बनाने व्यवस्था बनाने काम आपकी वो अव्यवस्था उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप उनको बाहर भेजेंगे, आप उनको बाहर भेजेंगे। यो भाई मैंने बोले कि पांच आदमी भाई साहब दे दिया, भाई साहब सुनो मेरी बात, एक भी आदमी सिंगल आदमी भी अगर यहाँ खजो की मैं टोकन दे दिया। अरे आप भी मौजूद है, सुनो मेरी बात, मैं अंदर जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा, यह व्यवस्था होगी या नहीं होगी मुझे ये बताओ, मैं अंदर चार चार घंटे तक इंतजार करते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। अरे प्रशासन खराब है, प्रशासन भाई ग्राम से यार यो मेरे साथ खड़े हो आराम से बात बात नंबर 20 को गेल नो हुए। आप क्या बोले मैं क्या करूं सर, 500 टोकन आपके पास आते हैं, आपको मित्र करने का कार्यभार आपको दिया गया है, उसका सरपंच की जिम्मेदारी, सरपंच से बात करो, टोकन टोकन वितरण करने की जिम्मेदारी किसकी है मुझे ये बताओ, सरपंच की। आप यहाँ पर टोकन, जब टोकन वितरण होते हैं आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर थे जब यह टोकन नहीं मिला, यार ये व्यवस्था है क्या आपकी, पाँच सौ आए हैं, 1500 की लाइन लग रही है, 1500 की लाइन लग रही है, ये तो 20 में ही हो रहा है, ये तो 20 में ही हो, इनको मिलना चाहिए ना, लाइन तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, आप लाइन तोड़ देना चाहिए, अगर 20 मिनट में पूरा हुए टोकन आ रहे ही मैं लगा था, आपसे ठीक है, आप मुझे एक बात बता दो मुझे, कि जब आपके पास टोकन आए थे, टोकन वितरण की तो अव्यवस्था हुई, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस यही थी, पुलिस यहाँ पर थी, यही थी पहले से, एक साइड में तो है बोल रहे हैं कि मैं साइड में 20वां नंबर पर, मेरी बात सुन, जो आदमी 20वां नंबर पर लाइन में लगा है उसको टोकन नहीं मिलता यार, ये बताओ फिर व्यवस्था लग रही है, ये भीड़ वाली लाइन वाले बताओ मेरे को, मुझे एक बात सुनो, एक बात गांव में अव्यवस्था टोकन के कारण अव्यवस्था हुई है, और किसी आदमी को क्षति पहुंची है या किसी आदमी को नुकसान पहुंचा है, तो आप मुझे एक आदमी के लिए सुना के दे दो कि उस आदमी ने नुकसान किया पब्लिक को, किस आदमी ने नुकसान, मेरी बात आप झूठा पब्लिक का झूठा लांछन लगा रहे हो, पब्लिक के ऊपर झूठा लांछन लगा रहे हो कि अव्यवस्था हो रही है, अगर तो शांति तरीके से यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं होता, मेरी बात सुनो, लाइन लग रही थी, एक एक नहीं आते, देखो इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यवस्थित इस तरीके से इन लोगों ने लाइन लगा रखी है, यार ये व्यवस्था है मान ले जाएगा बेलू भाई, बट ले जाए तो आप दे दिया, लाइन में भावना कराई भाई तो चाहती कि जब टोकन वितरण की व्यवस्था हो उस टाइम पर एक से लेकर जितने टोकन आपके पास आए हैं, एक आए, 100 आए, 500 आए, वो टोकन एक साथ यहाँ पर रखे जाए, उसके बाद टोकन वितरण हो, ये ना हो कि एक आदमी को 100 दे दिया, एक आदमी को 50 टोकन दे दिया, गलत है। अगर आप ये बोलते हैं यहाँ पर लाइन लगी थी, व्यवस्था हो रही थी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन को अवगत करवाएं, आपने पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया, पुलिस प्रशासन यही था, पुलिस प्रशासन यहाँ था, उसके बाद यहाँ पर व्यवस्था हो रही थी, मतलब कि किसी आदमी को क्षति तो पहुंची होगी ना मालिक, आज तक 10 या 12 बार जो भी वैक्सीनेशन हुआ है, एक भी आदमी को क्षति पहुंची, ये टोकन व्यवस्था में आपको मैं आपके पास तथ्य देता हूँ, आपको ये जो भी टोकन होता है साइन नहीं होते, सरपंच के साइन नहीं होते, सरपंच के उसके ऊपर साइन नहीं होते, ग्राम सेवक अगर किसी भी प्रतिनिधि के किसी भी मान लो जो जिसको भी कार्यभार दिया गया उसके साइन नहीं होते, उसके बाद टोकन वितरण होते हैं, मन चाहे साइन कर यहाँ पर टोकन बढ़ते हैं और उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है, ये खाली टोकन ले जाए, आपको नाम बट ली पर लीजिए, साइन कर लिया, तो इस व्यवस्था को सुधारने का कार्य टोकन कहाँ ले जा रहे हैं भाई,
ये सारे तो एक आदमी ने पांच पांच टोकन दे रहे हैं, लेट जा रहे हैं, नवीन लाइन में खड़े हैं। वो तो देर से लोग सो कर आराम है। जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं वो बातें मैं से बात करूँगी, मेरे से बात नहीं। अच्छा आपसे बात कर रहे हैं तो सरपंच लोग से बात कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, आप नहीं देखते हो हट गए जो बट गए जो लग रहे जिनको लग जाए। बाहर के लोग हैं क्या बताओ, बाहर क्या क्या कहेंगे, बाहर बाहर का तो नहीं है यार। हाँ भाई ग्राम सेवा।